आप सभी उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों जैसा कि आपको आपके ग्रीष्मकालीन अवकाश का जो गृह कार्य दिया जा रहा है डेली बच्चों आप उसे बहुत अच्छे से कर रहे होंगे उम्मीद करती हूँ। तो बच्चों आज हम सभी देखिए यहाँ पे गणित की वर्कशीट जो है वो सॉल्व करने जा रही हैं। कक्षा चौथी की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, ठीक है बच्चों, फोर्थ क्लास की यहाँ बात हो रही है। दिनांक है 6 मई, 6 मई की देखिए बच्चों यहाँ पे वर्कशीट हमें दी गई है, वार है वीरवार। तो चलिए देखिए बच्चों कैसे कैसे हमसे यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं, यहाँ हम देखते हैं सभी। पहला देखिए बच्चों गतिविधि, नीचे तालिका में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए अंकों के प्रत्येक समूह को पुनर्व्यवस्थित करें। अब देखिए बच्चों यहाँ आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे बच्चों आपको अलग अलग संख्याएं दी गई हैं, ठीक है। अब आपको इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए अंकों के प्रत्येक समूह को पुनः व्यवस्थित करना है। तो देखिए बच्चों सबसे बड़ी संख्या कैसे बनेगी, यहाँ लिखना है और सबसे छोटी संख्या यहाँ लिखनी है। तो चलिए हम लिखना स्टार्ट करते, 9 9 8 7 5 4 2 1। अब देखिए बच्चों हमें इन नंबरों से सबसे बड़ी संख्या बनानी है, अब इन्हीं नंबर से सबसे छोटी बनानी है। तो सबसे छोटी हमारी कौन सी हो जाएगी, 1 2 4 5 7 8 और 9, ठीक है। अगली देखिए बच्चों सबसे बड़ी इन अंकों से कौन सी होगी, 8 7 6 5 3 2 और 0, और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 0 2 3 5 6 7 8, ठीक है। अगली देखिए बच्चों इससे हमें सबसे बड़ी बनानी है, तो सबसे बड़ी बनेगी 9 7 6 5 4 3 0, और सबसे छोटी कौन सी बनेगी इसी संख्याओं से, 0 3 4 5 6 7 9। अगली देखिए बच्चों इनसे सबसे बड़ी कौन सी बनेगी, 8 7 5 4 3 2 1, और सबसे छोटी बनेगी हमारी 1 2 3 4 5 7 8, ठीक है। अगली देखिए बच्चों सबसे बड़ी हमारी बनेगी 9 7 5 4 3 2 0, और सबसे छोटी बनेगी 0 3 2 3 4 5 7 9। तो देखिए बच्चों हमें यहाँ पे दिए गए हैं कि हमें इन ही अंकों से सबसे बड़ी और सबसे छोटी जो संख्या है वो यहाँ पे बना के लिखनी है। तो हमने देखिए बच्चों इस तरह से बना के लिख दी है, ठीक है। अब अगला देखिए बच्चों अगला प्रश्न हमें क्या कह रहे हैं, गतिविधि बादल में से संख्या ज्ञात करें यदि वह संख्या 4 + 3 नहीं है। 4 + 3 कितना होता है बच्चों, 7 होता है, हमारा सभी को पता है। तो बच्चों बादल हमें दिया गया है पीछे, देखिए तो 4 + 3 हमारा 7 होता है, ठीक है। तो बच्चों देखिए हमने यहाँ कौन कौन सी संख्या देखी, यहाँ पे हमने देखा इस तरह से कि 4 + 3 7 होता है, 7 में से 7 गए 0, 3 + 5 8, 9 में से 8 गए 1, 8 + 2 10, 9 में से 7 गए 2, 11 में से 5 गए 6, 3 और 6 9, 10 में से 5 गए 5, 8 और 4 12, 11 में से 7 गए 4, 7 और 4 11। तो बच्चों ये बादल में से हमने जो जो संख्याएं आई पीछे हमने वो भाग घटा के देखा और जोड़ के देखा, तो हमारे पास जो शेष संख्या बची वो कौन सी बची, 3 और 3 बची। बच्चों देखिए 3 ही बची है, 7 में से 7 गए तो 0 बचेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ शेष बची है 1 0 हमने काट दिया, तो बच्चों 1 0 अभी भी हमारे पास बचा है, ठीक है। तो बच्चों हमने ज्ञात कर लिया कि बादल में कौन सी संख्या बची, 3 और 0, ये हमारी यहाँ पे
संख्याएं बची। गतिविधि मस्ती की पाठशाला। आज का खाद्य रंग हरा। देखिए बच्चों, खाद्य रंग हरा, हरा रंग आप सभी जानते हैं, ये होता है हमारा हरा रंग। तोते का जो रंग होता है उसे हम हरा रंग बोलते हैं, ठीक है। हरे रंग का कोई भी खाद्य पदार्थ खाएं, उदाहरण के लिए अमरूद, अंगूर, ककड़ी, पालक, फली, भिंडी आदि। आज का पेय पदार्थ दूध। दूध एक संपूर्ण भोजन होता है, इसलिए हमें ये प्रतिदिन पीना चाहिए। आज का खेल सांप और सीढ़ी। अंतराक्षरी अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस खेल का आनंद लें। स्वास्थ्य ही धन है, तो रस्सी कूदने की चुनौती अपने परिवार के सदस्यों को आपसे ज़्यादा बार रस्सी कूदने की चुनौती दें। देखिए बच्चों, आप सभी को देखिए रस्सी कूदनी है, आप जितनी रस्सी कूद सकते हैं बच्चों, आप अपने परिवार को चुनौती दीजिए, उन्हें चैलेंज कीजिए कि आप वह आपसे ज़्यादा रस्सी कूद सके, ठीक है बच्चों। तो आप सभी बच्चों वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो की सहायता से जो है अपनी वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही साथ बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल जारेड़ा ऑनलाइन क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वह जल्दी से रेड बेल आइकन दबा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बच्चों आगे जो मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके और आप इजीली वीडियोस को देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।